हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बातचीत किया था। तो कई स्टूडेंट्स ने कमेंट कर बताया हमें कि सर, केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने में हम बहुत सारे डिफिकल्ट जो हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम फेस कर रहे हैं, तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को लर्न किया जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब तक केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला यदि लर्न नहीं होंगे, ठीक है, तो किसी भी अवस्था में किसी भी तरीके से हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से केमिकल रिएक्शंस को लर्न नहीं कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को लर्न करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपको केमिकल कंपाउंड्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर जो केमिकल रिएक्शंस के आफ्टर में बनते हैं, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, इनके अगर जो केमिकल फार्मूला आपको लर्न है तब आप बड़ी आसानी से केमिकल रिएक्शंस को लर्न कर सकते हैं। तो वो आपके कंपाउंड्स जो मैक्सिमम कह लीजिएगा केमिकल रिएक्शंस में आते हैं या मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके क्या केमिकल फार्मूले होते हैं, उनको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड केमिकल फार्मूला होता है इसका HCl। फर्स्ट आपका कौन सा है, फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है HCl। सेकेंड आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है H2SO4। थर्ड है आपका नाइट्रिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है HNO3, ठीक है। फोर्थ है आपका एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग बताया था हमने आपको कि एसिटिक एसिड का 3 से 4% जो एक्वस होता है, जो जलीय विलयन होता है, उसे हम लोग सिरका कहते हैं, अचार के रूप में यूज होता है ना। तो फोर्थ आपका है एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3C OH, ठीक है। नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है, वो आपका है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट फार्मूला होता है CuSO4। और नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड फार्मूला होता है BaCl2। फार्मूला क्या होता है, BaCl2। नेक्स्ट है आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट फार्मूला होता है उसका BaSO4। क्या फार्मूला होता है, BaSO4। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है। अंडे के छिलके के ऊपर जो वो अंडे का जो छिलका होता है, ठीक, अंडे का जो कवच होता है उसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित होता है। नेक्स्ट है आपका आयरन सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट भी कहते हैं। सूत्र होता है FeSO4, ठीक है, ध्यान रखिएगा FeSO4। नेक्स्ट होता है आपका फेरिक सल्फेट। नेक्स्ट कौन सा होता है, फेरिक सल्फेट FeSO4 का होल थ्राइस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है AgNO3, ठीक है, AgNO3। कुछ और ही महत्वपूर्ण कंपाउंड जैसे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा का आपका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। केमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो खाद्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनमें यूज होता है, और कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ये बेकिंग आपका सोडा होता है। और भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, देखिए उनके नेम क्या होते हैं और उनका जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आपका ये होता है तो सोडियम नाइट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम नाइट्रेट सूत्र होता है इसका NaNO3, ठीक है, NaNO3। बुझा हुआ चूना जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सूत्र होता है इसका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट एक और है जिसे मेथेन कहा जाता है, मेथेन जिसे मार्स गैस भी कहते हैं, फार्मूला होता है CH4। क्या फार्मूला होता है, CH4। और आपका इंपॉर्टेंट है केमिकल कंपाउंड वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है KOH। क्या होता है, KOH, ठीक है। अगला आपका है जिप्सम,
जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसके अलावा आपका होता है इथिलीन गैस यानी कि C2H4, इसका फॉर्मूला होता है। अगला आपका